ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୀରାବେନଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वॉटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वॉटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वॉटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वॉटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वॉटरवे से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।